So good morning and welcome in a lecture, quantum mechanics lecture series. So न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा और सारा सिर दर्द जो है वो इंडिया के बच्चों को होने लगा। अब न्यूटन्स ने जैसे ही एप्पल गिरने के बाद, ये हम कहानी है, न्यूटन्स ने लॉ दिए और उस लॉ को एक्सटेंशन मिला जो सभी बड़े पार्टिकल्स थे, मोमेंटम, स्पीड, एनर्जी, इनके कैलकुलेशन होने लगे और वो सारे लॉ बड़े पार्टिकल को अप्लाई होने लगे, यानी उसका आंसर हमें मिलने लगा कि नेचर में ऐसा क्यों हो रहा है। और इसकी पढ़ाई भी बढ़ी और नियर अबाउट मैक्सिमम सारे आंसर मिलने लगे, पानी क्यों गिरता है, ये स्काई में आवाज़ क्यों आती है, लाइटनिंग क्यों होता है, स्पीड का क्या होता है, तो सारे आंसर मिलने लगे। तो उस थ्योरी जो डेवलप हुई और उसके बाद जो इक्वेशंस डेवलप हुए उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, जो 19th century के शुरुआत में चालू हुए न्यूटन्स के लॉ के बाद। और न्यूटन्स के लॉ की अब पढ़ाई करते समय इक्वेशन, कुछ इक्वेशन को मान्यता मिली कि ये इक्वेशन लागू होते ही है नेचर में। और फिर जब माइक्रो पार्टिकल पे गए, न्यूटन्स के लॉ मैक्रो पार्टिकल, बड़े पार्टिकल पे बड़े अच्छे से लागू हुए। जब पढ़ाई माइक्रो पार्टिकल के तरफ मूव हुई, एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, और फिर उसमें जो आउटपुट आए, उसके जो रिजल्ट आए, अब उसको न्यूटन्स लॉ के तरीके से देखा गया, उस पर जब न्यूटन्स लॉ लगाया गया तो वो रिजल्ट करेक्ट नहीं आए। यानी वहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ से जो डेवलप हुए थे बाकी के सारे लॉ, वो जब निकाले गए तो वो लागू नहीं हुए, माइक्रो पार्टिकल पे लागू नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन पे लागू नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना इम्पॉसिबल हो गया, यानी परफेक्ट मोमेंटम हम इलेक्ट्रॉन का निकाल नहीं सकते। तो फिर साइंटिस्ट लोगों में ये हुआ कि ये लॉ लागू क्यों नहीं हो रहे, लॉ में गलती है या हमारे ऑब्जर्वेशन में गलती है, एक्सपेरिमेंट में गलती है। और ये एक्सपेरिमेंट होते रहे और फिर ऐसे इस हमारे यूनिट में हमें ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट देखना है। वैसे हुए तो 8-10 एक्सपेरिमेंट ऐसे है फेमस कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो फिर क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हुए। तो उसमें से हमें 4 एक्सपेरिमेंट लेना है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्वांटम में जो प्लैंक्स ने जो थ्योरी बताई कि लाइट जो है वो लाइट कंटिन्यूस नहीं है, वो क्वांटा में है, वो पैकेट्स में है, वो बंडल में है। क्लासिकल मैकेनिक्स मानता था कि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन प्लैंक्स ने बताया कि वो क्वांटा में आ रही है। जैसे ये लाइट्स हमारे पास आ रही है तो हम सोचते कि ये कंटिन्यूस है, हम ये नहीं सोच पाते कि वो पत्थर जैसे, छोटे छोटे पत्थर जैसे हमें लग रही है, नहीं वो कंटिन्यूस है। तो प्लैंक्स का कहना था कि नहीं वो कंटिन्यूस नहीं, वो क्वांटा में है। उसने प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दिया था एच, और इस चीज़ को क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्टिंग में नहीं मानती थी। लेकिन जो कुछ भी फिनोमिना, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं वो प्लैंक्स के थ्योरी से प्रूव हुए, क्वांटा के थ्योरी से प्रूव हुए। और फिर वहाँ से नए इक्वेशंस और माइक्रो पार्टिकल को, छोटे पार्टिकल को देखने का नया एक हमें विजन मिला, फिर उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और फिर वहाँ से क्वांटम के इक्वेशंस चालू हुए। तो फिर मैक्रो और माइक्रो ये दोनों अलग हो गए, मैक्रो पे न्यूटन्स लॉ और क्लासिकल मैकेनिक्स लगने लगा और एटम इलेक्ट्रॉन लेवल पे क्वांटम्स थ्योरी लगने लगी या क्वांटम मैकेनिक्स लगने लगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आगे वाले लेक्चर्स देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबाइए, यानी आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।